हेलो दोस्तों, नमस्कार मैं सुमन। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ में हम आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे, यानी जो मैथ में हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो से पढ़ना शुरू करेंगे। और जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं टोटल मैथ का, टोटल हम आपको जो वीडियो देंगे टोटल 200 वीडियो देंगे। कितना देंगे? 200 वीडियो हम आपको देंगे, 200 वीडियो देंगे मैथ का। और जिसमें से 50 यानी 30 वीडियो रहेगा आपका रीजनिंग का, 30 वीडियो रहेगा रीजनिंग का, 200 रहेगा मैथ का रहेगा। तो आपको बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, यानी एक एक करके क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, हम प्रत्येक दिन आपको टास्क भी देंगे बनाने के लिए, प्रत्येक दिन होमवर्क टास्क भी देंगे। तो फ्रेंड, बहुत बेहतर तरीका जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपके पास बुक होना चाहिए। एक तो हम यहाँ क्वेश्चन तो शो कर दे रहे हैं बोर्ड पे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बुक रहना चाहिए, क्योंकि बुक रहेगा उसके बाद ही आप रिवाइज कर पाइएगा। और जो जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसका टास्क भी हम आपको प्रत्येक दिन देंगे। तो यानी मतलब एक एक चैप्टर आके आपका क्लियर करवाएंगे। और हम जो मेरा बोलने का तरीका है वो नॉर्मल लैंग्वेज रहेगा, यानी लोकल लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे, लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे। तो जो इससे अब यहाँ देख रहे हैं आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल से टोटल चैप्टर हम करवाएंगे। यानी इसमें मात्र 4-5 ही चैप्टर वैसा है जो नहीं ही पढ़ाएंगे, बाकी सारा चैप्टर हम आर एस अग्रवाल से मैथ पढ़ाएंगे। इसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट का एक ग्रुप चलाएंगे, जिसमें हम आपको जोड़ देंगे, तो आप वहां से टेस्ट भी दे पाइएगा। तो टोटल हम आपको यहां 230 वीडियो देंगे, 230 वीडियो देंगे। यहां देखिए 6 महीना में टोटल होता है 180 वीडियो, 6 महीना में 180 दिन होता है। तो 180 दिन में आप, एक मंथ में 4 सप्ताह होता है, तो 6 महीना में कितना सप्ताह हुआ? 624 दिन। तो मतलब मिनिमम भी आपका जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे उसका जो समय लगेगा, मिनिमम भी लगेगा, तो मान लीजिए 7 या 8 महीना लगेगा। और 7-8 महीना में हम आपको पूरा बेहतरीन तरीका से पूरा बेसिक को हम क्लियर कर देंगे। यानी आपका जो मैथ का प्रॉब्लम है, जो आप झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस या रेलवे या SSC या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मैथ का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मेरा टोटल वीडियो यानी 230 वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक दिन हम आपको वीडियो देंगे, वो देंगे रीजनिंग का, और बाकी दिन हम आपको देंगे मैथ का। यानी सप्ताह में एक दिन देंगे हम आपको रीजनिंग का, बाकी दिन देंगे मैथ का। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो मेरा क्लास है वो है रेशियो। क्या है रेशियो? है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, क्योंकि रेशियो के बारे में हमको जानना है। और आप लोग जानते हो सर कि रेशियो आप पढ़ाना क्यों चालू किए, नंबर सिस्टम क्यों नहीं पढ़ा है? तो रेशियो पढ़ाने के कारण है कि रेशियो आपका क्लियर है तो आपका बहुत सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, यानी बहुत सारा चैप्टर क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो हम रेशियो आपको बताते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले रेशियो किसको बोलते हैं? अनुपात। क्या हिंदी में बोलते हैं? अनुपात। तो अनुपात किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानिए। तो अनुपात का मतलब होता है जो दो बिंदु होता है, यहाँ दो बिंदु होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ये जो डबल बिंदु होता है इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। और यही यहाँ देखिए आपका जैसे लिखा हुआ है 5:6, तो 5:6 के हम लोग एक क्या और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5/6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/6 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या करते हैं? 5/6 भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी रेशियो का मतलब होता है बट्टा, रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा यानी भाग, भाग यानी 5/6 हो गया। क्या हो गया? 5/6 हो गया, यानी 5/6 हो गया, यानी क्लियर हो गया। यहाँ देखिए रेशियो का मतलब होता है आप, चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं। तो आगे क्या है, यहाँ देखिए कि कभी भी रेशियो में रहे तो जो हम ऊपर गुना करेंगे वही हम नीचे गुना करेंगे। बटा में है, बटा में हम यहाँ 6 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमको 6 गुना करना है, क्योंकि कटने के लिए
छह ही नहीं, वो 16 ऊपर गुना कर रहे हैं, 16 नीचे भी गुना करता है। इसी प्रकार यहाँ हम 11 गुना करते हैं तो नीचे भी हमको 11, यहाँ 11 गुना किए तो 11, यानी जो भी वर्ड ऊपर गुना होगा वही वर्ड नीचे गुना होगा। क्यों? क्योंकि आपस में कटने के बाद एक भी लूंगा, यानी 5/6 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कहाँ 5/11 कितना हो गया 55 और 66, काटिएगा कितना आएगा बाबू 5/6 ही आएगा, क्या आएगा 5/6 ही आपका आएगा जो शुरू में मान था। इसी कारण जो भी वर्ड हम इधर गुना करते हैं, यानी कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हम गुना करते हैं इस एड, तो वही संख्या इस एड भी गुना होता है। जैसे हम मानते हैं 7, तो 7 इधर गुना किए तो इधर ये मेरा 7 गुना होगा। क्यों? क्योंकि आपस में कटता है, आपस में क्या होता है कटता है। तो इसी कारण हम लोग एक सेट नहीं दोनों सेट गुना करते हैं बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए दोनों सेट, यानी ई सेट भी गुना करते हैं और ए सेट भी हम लोग गुना करते हैं। अब फ्रेंड, अब यहाँ पे हम बताएं कि रेशियो होता क्या है, इसके बारे में हम बताए, क्योंकि रेशियो के लिए क्वेश्चन लिखे मैंने कभी भी क्वेश्चन बनाने से मतलब मत रखे, क्वेश्चन बनाने से मतलब मत रखे। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को समझिए, क्योंकि आप समझ जाते हैं ना तो हमको परेशानी नहीं होगा समझाने में। यहाँ देखिए, आप किसी जगह को आप जानते हैं तो आपको कोई कोना में भी खड़ा कर दिया जाएगा ना तभी आप पहुंच जाएगा, यानी आपका घर, आप घर को अपने घर को जानते हैं तो आपको पूरा भारत में कहीं भी खड़ा कर दिया जाएगा, यानी विदेश में भी खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद भी आप अपने घर के पास पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप घर के बारे में अपने घर के लोकेशन आप जानते हैं, घर के लोकेशन आप जानते हैं। इसी प्रकार मैथ भी है, तो मैथ रेशियो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो आगे सबसे पहला ध्यान दीजिए कि रेशियो है क्या, अनुपात है क्या, क्योंकि अनुपात आप जान जाइएगा तो एटोमेटिक यह है कि आपको अनुपात के बारे में जान जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो चलिए फ्रेंड, हम आते हैं अब क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये आपको देखना है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, और लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ ए बी अनुपात दिया हुआ है 4/5 और बी सी बराबर दिया हुआ है 6/7, और क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी निकालने। क्या बोल रहा है? ए बी सी, या कभी कभी बोल देगा ए और सी निकालने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए बी सी कैसे निकालते हैं, क्या जानेंगे कि ए बी सी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि दोनों आपस में बिल्कुल मिल रहा है तो बी बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो बी बी आपका मिल रहा है। तो 5/6 के हम लोग यहाँ लिखे बी बी मिल रहा है, यानी ये दोनों को यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात, क्या लिखे ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात लिखे। ऊपर में बी बी मिल रहा था तो हम लोग ये दोनों को बराबर करना था, क्या था बराबर करना था। तो वो क्या से गुना करेंगे सेट कि ये बराबर हो जाए इसका और ये बराबर हो जाए इसका। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर में मैच करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 5/6 के हम तब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा, तो 5/6 के आएगा 30 आएगा, यानी 5/6 30, यानी एलसीएम लिए हम लोग, जैसे एलसीएम लेते हैं 5/6 के, इस प्रकार से हम लोग एलसीएम लिया लघुत्तम निकाले। तो 5/6 आपस में नहीं कर रहा है किसी कारण हम लोग इसको गुना कर दिया, यानी 30 एलसीएम आ गया। तो 5 का पहाड़ केवल में 30 आया, तो 5 का पहाड़ आपका 6 बार में 30 आया, तो ये 6 गुना कर रहा है। हम बोले थे जो वर्ड इधर गुना करेगा वही वर्ड इधर भी गुना करेगा, यानी 6 ए सेट गुना कर रहा है तो 6 ए सेट भी गुना करेगा। कितना आया तो 6 चौक 24 आ गया, कितना गया तो 6 चौक आपका आ गया यहाँ ए बराबर 24। यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ 6 चौक 24 आ रहा है, इसी कारण यहाँ आ गया 24। अब इसी प्रकार ये मेरा एक तरफ का हुआ, अगला तरफ के भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो 30 जो आ रहा है केवल में आ रहा है बाबू, तो 5 बार में आ रहा है, तो 5 इधर भी हम गुना करेंगे, उधर गुना करेंगे, तो क्या हुआ 7/5 35 हुआ, क्या हुआ 7/5 35 हुआ। तो यहाँ 35 हम बिठा देंगे, क्या करेंगे 35 बिठा देंगे, यानी कहने का मतलब है जो इधर गुना हुआ था वही इससे भी गुना हुआ, जो यहाँ गुना किया था उधर भी वो गुना हुआ। अब ये कैसे पता चला ये यार,
तो इसको हम भागा दिए, इसको क्या किए हम भागा दिए, और इसको भी हम भागा दिए, इसको भागा दिए तो यहाँ छह आया पांच से, इसको भी भागा दिए यहाँ यहाँ जो आया पांच आया, तो इधर पांच पांच हम गुना किए, तो मैं कितना आया 24 30 और 35 मेरा आंसर आया एबीसी बराबर। और वही बोलता है एसी निकालने, तो 24 और 35 हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि ए बराबर 24 था और सी बराबर 35 आपका आंसर था। अब फिर हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल भी एकदम सेम टू ही रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको सिखाएंगे कि ए बी सी कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर हम सिखाएंगे कि ए बी सी डी कैसे निकाला जाता है, वो भी हम आपको आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। चलिए फिर इसको हम मिटाते हैं और होमवर्क भी देंगे, होमवर्क भी हम आपको देंगे, होमवर्क भी हम आपको देंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब यंग को चेंज कर देते हैं, यंग को चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और बढ़िया बता देंगे तो आपको क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर यहाँ दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ 5:6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और यहाँ 9:4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9:4। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि ए बी सी निकाले, क्या बोलता है ए बी सी निकाले, तो यहाँ ध्यान से देखिए ए बी सी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग नीचे लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ लिखे ए लिखे, क्या लिखे बी लिखे और सी लिखे, ए लिखे बी लिखे और सी हम लोग लिखे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आपस में बिठाएंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन छापेंगे कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, कौन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ बीबी मैच कर रहा है तो हम लोग बीबी पर घेरा लेंगे, बीबी पर घेरा लेंगे, और वो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या है 6 और 9, तो 6 और 9 को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 6 लिखिए और 9 लिखिए, इसको एलसीएम लीजिए, तो 3 बार में जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दो 6 3 3 9, यहाँ एलसीएम लेना ही लेना है, आपस में नहीं कटेगा तो गुना करना है, बाकी एलसीएम लेना है, तो 3 दो 6 हुआ और 6 3 18 हुआ, यानी एलसीएम जो मेरा 18 आया, तो यहाँ बीबी था नहीं तो बी बराबर 18 आया ना, तो इसी कारण हम यहाँ 18 लिखे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 6 का पारा कितना बार पड़ रहा है 18, हम बोले ना भागा देना है, 6 का पारा कितना बार 18 पड़ रहा है, तो 3 बार पड़ रहा है, इधर हम लोग 3 गुना करेंगे, इसका मतलब इधर भी हम लोग 3 गुना करेंगे, इधर भी हम लोग 3 गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 9 का पारा केवल 18, यहाँ 5 कितना हो गया आपका, तो 15 हो गया, कितना हो गया ए बराबर, यहाँ ए में कर रहा है 5 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 का पारा केवल 18 आ रहा है, ए सर्फ कुछ चेक करना है, यानी ये दोनों अलग अलग खंड है, ये दोनों अलग खंड है, ये अलग खंड है, वो अलग खंड है, ठीक है, तो यहाँ 9 का पारा केवल 18 आ रहा है, तो 9 2 2 बार में आ रहा है, तो 2 इधर भी गुना करेंगे, कितना गया 4 2 8। अब देखिए फ्रेंड ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आप लोग को सवाल आता होगा सर कि आप लोग सर कि आप ऐसा क्यों गुना कर देते हैं दोनों साइड, इसका कारण है कि यहाँ देखिए 6 3 18 9 2 18, ये दोनों उनको बराबर करना रहता है, क्या करना रहता है बराबर करना रहता है, और वही बराबर करके हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए तब हम यहाँ बराबर करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो वर्ड इधर गुना होगा वही वर्ड इधर गुना होगा, जो वर्ड इधर गुना होगा वही वर्ड इधर गुना होगा, तो फ्रेंड यहाँ आप जाने की 15 18 और 8 आया, अरे ए सी पूछता ए सी हो जाता आपका 15, कितना हो जाता ए और सी 15, ए बराबर 15 और सी बराबर 8 हो जाता। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, उसका बाद इससे हल्का सा नियम हम चेंज करते हैं, और आप लोग को टास्क भी देंगे, उन टास्क बना के हमको व्हाट्सएप करना है, क्या करना है टास्क जो हम देंगे वो टास्क बनाकर आपको व्हाट्सएप करना है, मिनिमम भी हम आपको 10 क्वेश्चन जरूर देंगे, 10 5 6 क्वेश्चन हम आपको देंगे, दिखा देंगे कौन कौन सा नंबर बनाना है, वो आपको शो करते रहेगा, वो सारा क्वेश्चन आपको हम अभी दिखाएंगे वीडियो के अंत में, आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है, और पर डे जो भी हम पढ़ाएंगे उसी रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको पर डे देंगे। चलिए फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन रहेगा 6:7 14:13, 6:7 और 14:13, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताए थे ए बी सी लिखने, ए बी और सी,
उसके बाद हमको देखना था कुकुर मैच कर रहा है, बीबी मैच कर रहा है, तीनों को हम लोग एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? सात, सात और चौदह के सात से काटिएगा कितना, सात एकम सात, सात दुनी चौदह, अभी सात दुनी चौदह ही आ गया। कितना गया? चौदह। एक बात हम बताते हैं, एलसीएम लेने का एक शॉर्टकट तरीका, कभी भी एक दूसरे से कटे, कभी भी एक दूसरे से कटे, जो बड़ा अंक रहता है वही एलसीएम हो जाता है। यहाँ देखिए सात से चौदह कट रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका जो एलसीएम हो गया, हो गया चौदह हो गया। अब यहाँ देखिए एलसीएम चौदह हो गया, तो दोनों से तो चौदह बनाना है, तो सबका पालन केवल चौदह आ रहा है बाबू, तो दो बार में आ रहा है, तो दो इन्हें गुना किया, इधर भी हम दो गुना करेंगे, तो छह दुनी कितना हो गया आपका, तो छह दुनी हो गया आपका बारह हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए चौदह केवल पड़ेंगे एक बार, यहाँ एक बार गुना करेंगे तो इधर भी एक बार गुना होगा, तेरह एकम तेरह हो गया, यानी कितना हो गया, तो बारह चौदह और तेरह, कितना हो गया, तो बारह चौदह और तेरह हो गया, बारह चौदह और तेरह हो गया, है ना, बारह चौदह और तेरह हो गया। ओके, बारह चौदह और तेरह आपका हो गया ए बी और सी बराबर। अब यही बोलेगा ए और सी निकाल लें, तो ए सी में आप बिठा सकते हैं बारह अनुपात तेरह, कितना, बारह अनुपात तेरह, है ना, बारह अनुपात तेरह बिठा सकते हैं ए सी बराबर। अब फ्रेंड हम हल्का सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन तो जो हम दे रहे हैं उसको हल्का सा चेंज करते हैं, तो चेंज क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है, हम गारंटी लेंगे जिस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, देखिए गति पे हम धीमी धीमी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम अपना गति में आएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर बहुत शॉर्टकट बता दे रहे हैं, सर बहुत रफ्तार भाग रहे हैं, इसे हम बहुत नॉर्मल तरीका से हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए क्या हम करते हैं, यहाँ ए सी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए और सी कर देते हैं, यहाँ यहाँ बी रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ यहाँ देता है आपको छह अनुपात सात, छह अनुपात सात, और यहाँ दे देता है आपका पांच अनुपात, पांच अनुपात चार, पांच अनुपात चार। अब इस कंडीशन में यहाँ देखिए बराबर लिखा हुआ रहता था कि ए बी, ए बी और बी सी रहता था, यहाँ तो गेम हो गया, यहाँ ए बी है और ए सी है, अब इसको हमको निकालना है ए बी सी। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो हम बात बोले थे पहले, हम क्या बात बोले थे कि जो मैच आगे सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी लिखेंगे, तो हम चुपचाप लोग आएंगे ए बी और सी, ए बी और सी हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो मैच करेगा, क्या बोले थे, जो मैच करेगा, वर्ड को सुनिए, जो मैच करेगा उसी को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो कौन कौन मैच कर रहा है बाबू, ये और ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो उसी को एलसीएम लेंगे। ये नहीं कि बराबर जैसे ये ले रहे तो वैसे नहीं, जो भी मैच करेगा उसी को हम लोग एलसीएम लेंगे, नहीं तो स्टूडेंट के इस साइड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए मैच कर रहे, तो ए मैच कर रहा है, तो ए मैच कर रहा है बाबू, तो उसी को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो छह और पांच के तब हम एलसीएम लेंगे, तो छह पांच तो आपस में करता नहीं है, तो छह पांच आपस में नहीं करता है, इसी के लिए दोनों गुना हो जाएगा, तो छह पचे तीस हो गया, किसके बराबर, ए बराबर, क्योंकि ये दोनों ए के मान था, ए के मान था, इसी के बराबर तीस हो गया, क्या हो गया, ए बराबर तीस हो गया। तो एक के बार में आ रहा है तीस, पांच बार में जब पांच गुना हुआ तो ये सब कितना होगा बाबू, पांच गुना हुआ सब से कितना हो गया आपका, पैंतीस हो गया, हम ए बराबर यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ फिर देखिए पचा पहाड़ा के बाद तीस आ रहा है बाबू, तो पचा पहाड़ा में आपका जो तीस आ रहा है वो आ रहा है छह बार में, यहाँ हम लोग छह गुना करेंगे, तो इधर भी हम लोग छह गुना करेंगे, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, तो छह गुना करेंगे, यहाँ देखिए आपका छह चौक कितना हो गया आपका, तो चौबीस हो गया, यानी तीस अनुपात पैंतीस अनुपात चौबीस आपका आंसर आ गया, कितना गया, तो तीस अनुपात पैंतीस, पैंतीस अनुपात और चौबीस आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आते हैं और आपको पूरा पूरी हम आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए क्या है, ए अनुपात बी है और ए अनुपात सी है ना, यहाँ भी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी लिखेंगे, लिखते हैं ए बी और सी हम लोग लिख डाल। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो मैच कर रहा है उसी को हम लोग एलसीएम लेंगे, कौन कौन मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है,
तो 5 और 10 के हम लोग एलसीएम लेंगे। 5 और 10 के एलसीएम कितना हुआ आपको? तो 5 और जो 10 का जो एलसीएम है वो आएगा आपका 10 आएगा। तो वही 10 हम यहां लिख देंगे। 10 क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे 10 हम लोग लिख देंगे। यहां 10 हम लोग लिख दिए क्योंकि दोनों का एलसीएम 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा बाबू? यहां देख 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना है आपका? तो 10 आया। वही 10 हम यहां लिख दिए। इसके बाद आप देखिए कि आप क्या करेंगे हम। तो यहां देखिए इसको 10 आया, कई बार में 10 आया बाबू 5 का 12 में, तो 2 बार में आया ना। इधर 2 गुना करेंगे हम लोग, इधर भी हम लोग 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इधर भी हम लोग 2 गुना करेंगे। यानी 6 दुनी कितना हो गया? तो 6 दुनी हो गया आपका 12 हो गया। क्या हो गया? तो 6 दुनी आपका 12 हो गया। यहाँ देखिए, अब देखिए 10 का 12 के बाद 10 आ रहा है बाबू, 1 बार में आ रहा है ने? तो इधर भी 1 गुना किए, तो इधर भी कितना गुना करेंगे? तो 1 गुना करेंगे, यानी 7 एकम 7 हो गया। क्या हो गया? 7 एकम 7 हो गया। यानी 10 अनुपात 12 अनुपात और 7 आपका हो गया। देखिए कितना इजी तरीका से हम आपको बता दिए। तो देखिए हम लोग अभी 2 क्वेश्चन यानी एक टाइप में क्वेश्चन पढ़े, आपके दूसरा टाइप पर है। और अब एक क्वेश्चन लास्ट हम आपको बोर्ड मास बताएंगे, बोर्ड मास के थ्रू रेशियो पूछता है। चलिए फिर, तो इसके अलावे हम आज आपको एक टाइप और बताते हैं जो बोर्ड मास के थ्रू। इसके बाद हम आपको टास्क दे देंगे, वो टास्क को आपको क्लियर करना है। तो चलिए कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट और ये क्लास मतलब चलाते हैं, 15 मिनट में हम और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। इसके बाद इसका जो वीडियो जैसे ही अंत होगा तो आपको क्वेश्चन भी शो करेगा। उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है? स्क्रीन शॉट ले लेना है और उसको बनाना है, और बनाने से आपका पूरा हैबिट हो जाएगा। यानी आपको जो भी क्लियर है, जो पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। यानी आपको जो बनाना वो आरएस अग्रवाल बुक से बनाना है, वो सारा क्वेश्चन हम आपको शो कर देंगे। चलिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा कि ए अनुपात बी निकाले। क्या बोलेगा? ए अनुपात बी आपको निकालने बोल देगा, ए अनुपात बी निकालने बोल देगा। तो क्या करना है? सिंपल तरीका है, जो क्रा है उसको हम लोग गुना कर देंगे, है ना। यानी ए गुना हो जाएगा 40/100 बराबर बी, यानी क्या हो गया? गुना हो गया 3/4 हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको आपस में हम लोग काटेंगे, ये कट गया ना। आपको बराबर की ए से बी डायरेक्ट करता है, वैसा नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। इधर गुना में है बाबू, इधर भागा माएगा, क्योंकि ए और बी एक जाति का है, ए और बी एक जाति का है, और ये 4/10 और 3/4 एक जाति का है, तो दोनों एक साइड हम ये करेंगे। यहां देखिए, तो ए बी इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, यानी ए बटा बी बराबर हो जाएगा यानी 3/4, और इधर जो भागा है वो गुना में चला जाएगा, यानी इधर जो भागा है उधर गुना में चला जाएगा बाबू, यानी 10 हो गया, और इधर गुना है इधर आएगा भागा में, इधर आएगा भागा में। अब इसको काटते हैं तो 2 दुनी 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, यानी आपका आंसर आ गया 15/8 हो गया। 15 ऐसे से सिंपल गुना गया, ए ए और ए ए गुना हो गया, यानी कितना आ गया आपका? तो 15/8 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, या ऐसा नहीं कर रहे थे, यहाँ भी करे, इतना नहीं, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज और बता दें कि आपका देखिए कितना सिंपल तरीका से हम आपको बना के दिखा दिए। और आपको एक सवाल और हम देते हैं, जो अगला सवाल है मेरा लिखा हुआ, ए बराबर बी का 60% और बी बराबर सी का 70%, और क्वेश्चन बोलता है ए बी सी निकालने का, बोलता है ए बी और सी निकालने बोलता है, क्या करेंगे? सबसे पहला बात कि इसको हम लोग लिखते हैं, तो ए बराबर बी गुने का मतलब गुने 60% जो होगा 60/100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 2 3 6 और 2 5 10 3/5 हो गया। इधर भी हम लोग लिखेंगे तो बी बराबर सी का गुना 70/100, यानी काटेंगे तो 7/10 आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर गुना में है इधर भागा में आ जाएगा, यानी ए बटा बी बराबर आपका जो आ गया 3/5 आ गया, और इधर सी है गुना में इधर भागा में आएगा, यानी बी बटा सी बराबर आपका आ गया 7/10 आ गया। कितना गया? 7/10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ए बी सी हम लोग निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी निकाल देंगे, यानी ए अनुपात बी लिख देंगे जैसे बनाते थे हम लोग,
और बी अनुपात सी लिख देंगे। तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, और बी सी बराबर दिया हुआ है आपका 7:10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7:10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आप एक दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 में से कितना हो गया, ए बी सी लिखेंगे, ए बी और सी, कितना एलसीएम आया 5 और 7 के, तो आपस में नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, आनी आ गया आपका 7×5 = 35 आ गया, 7×5 = 35 आ गया। अब यहाँ देखिए केवल 5 में आ रहा है तो आपका 7 वन में आ रहा है, इधर 7 गुना हुआ, इधर भी आपका 7 गुना हुआ, सत्य कितना हो गया आपका 28 हो गया। अब यहाँ देखिए केवल 35 आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो 5 इधर गुना होगा, तो 5 इधर भी गुना होगा, तो कितना हो गया आपका, तो 10×5 आपका हो गया आपका 50 हो गया। तो अब फ्रेंड हम आपको कुछ सवाल देने वाले हैं और उस सवाल को आपको बनाना है। आज का क्लास इतने ही तक रहता है और हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं और वो सवाल आपको बनाना है। आनी आपका आरएस सवाल बुक होगा तो बढ़िया बात है कि आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है, चौथा रॉन्ग क्वेश्चन है तो चौथा छोड़ देना है, पांचवा बनाना है, छठा बनाना है, सातवां बनाना है, आठवां, नौवां बता दें, यानी 8 तक क्वेश्चन आपको बना के हमको शो करना है। हम आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो हम आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे शो कर देते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चन हम आपको 8-9-10 क्वेश्चन देंगे और वो 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि आप जब तक नहीं बनाइएगा जब तक क्लियर नहीं होगा। हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम आपको 10 को जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। और इसी प्रकार आपको क्लास बढ़िया लगे तो इसी प्रकार कोई भी दोस्त तैयारी हो उसको भी आप वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि सर के आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास ले सकते हैं, और जो मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उसी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, जिस समय मेरा फुर्सत रहेगा उस टाइमिंग हम आपको बता देंगे, उस समय हम आपको जो भी दिक्कत रहेगा वो हम आपको क्लियर कर देंगे। और फ्रेंड ये समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेसिक वीक है और बेसिक वीक के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 महीना क्लास करना पड़ेगा, और 1 महीना आप क्लास कीजिएगा उसके बाद ही ये सब सारा समझ में आना लगेगा। यानी क्लास बेसिक के लिए क्या है, इनको बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड मास में भीम के जोर से लेके गुना भाग जोड़ घटाव सब पूरा बढ़िया से, देखिए मैथ का जो पावर होता है ना जोड़ घटाव गुना भाग इसी पर टिका हुआ रहता है, तो आपको वो क्लियर कर लिए तो इतना कंफर्म है कि आपका सही ढंग से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहा और कल फिर हम आपको एक वीडियो देंगे।